मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास क्लास 4, सब्जेक्ट हिंदी। और हिंदी में मैं आज आपको मॉडल टेस्ट पेपर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आइए हम लोग मिलके मॉडल टेस्ट पेपर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपना इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सही विकल्प पर सही का हमें क्या करना है, निशान लगाना है। तो देखिए इसमें हमारा ये फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अलगू बाहर जाते तो अपना घर किसे सौंप जाते थे। तो जब अलगू बाहर जाते थे तो वो अपना घर जुम्मन को सौंप जाते थे। तो इसका आंसर से क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर सेकंड ही आपका हो जाएगा, यानी जुम्मन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है हमें, रिक्त स्थान को भरना है। जो ये हमारे यहाँ जगह खाली थी उसको मैंने फिल कर दिया, उसी तरह आपको भी इसे क्या करना है, फिल करना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है इसमें, में लाखों लोग मारे गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट में यहाँ पे क्षण हो जाएगा, यानी क्षण में लाखों लोग मारे गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्षण हो जाएगा। फिर सेकंड देखिए, उसी समय एक नया खड़ा हो गया। तो क्या खड़ा हो गया था, उपद्रव हो गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होली खेतों में लाई। तो होली खेतों में क्या लाती है, हरियाली लाती है। इसलिए थर्ड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा। फिर देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे झंडे में तीन रंग होते हैं इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। तो ये आपका क्या है, सही है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्र का झंडा तिरंगा होता है तो उसमें कितने रंग होते हैं, तीन रंग होते हैं। तो ये बताइए वो रंग कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट आपका ग्रीन होता है, फिर आपका केसरिया होता है, और फिर सबसे नीचे क्या होता है आपका, वाइट होता है। तो हमारे झंडे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तीन रंग होते हैं। अब देखिए, बच्चे अमीर लोगों को गले से लगाना चाहते हैं, तो ये आपका गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफलता मिले बिना मनुष्य चैन से नहीं बैठता है। तो ये आपका सही है, क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है और उसे सफलता नहीं मिलती तो वो परेशान होता है, टेंशन में रहता है। तो इसीलिए जब तक मनुष्य को सफलता नहीं मिलती वो मेहनत करता रहता है और चैन से नहीं बैठता है। तो इसमें क्या लिखा है, सफलता मिले बिना मनुष्य चैन से नहीं बैठता, इसलिए ये आपका सही है। फिर देखिए, ये दामे लाघव चिन्ह, ये देखिए लगा हुआ है, लाघव चिन्ह मतलब ये आधा भाग जो हम लोग लिखते हैं हलंत लगा के, उसे इसके नीचे इसने क्या किया है, फिट कर दिया है। तो संयुक्त व्यंजन से इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले तीन शब्द लिखना है आपको। तो फर्स्ट क्या है इसमें, देखिए फर्स्ट आपका समृद्ध है, सेकंड क्रमबद्ध है, और थर्ड आपका क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, अमृत। तो अमृत का विलोम आपका क्या होता है, विष होता है। फिर सेकंड क्या है, अमीर। तो अमीर का विलोम आपका क्या होता है, गरीब होता है। फिर सपूत, तो सपूत का आपका विलोम क्या होता है, कपूत होता है। और व्यक्त, तो व्यक्त का आपका उल्टा क्या होता है आपका, अव्यक्त होता है। तो ये आपका क्या हो गया, विलोम शब्द हो गए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कविता में किनको गले लगाने तथा सुखी बनाने की बात कही गई है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कविता में गरीब भिखारियों को गले लगाने तथा सुखी बनाने की बात कही गई है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट पर तेंजिन और हिलेरी की विजय का वर्णन अपने शब्दों में हमें करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने का गौरव तेंजिन और हिलेरी को मिला। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ा साहस और धैर्य दिखलाया। उनके शरीर थककर चूर हो रहे थे, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं थी। हर कदम के साथ उनका हौसला बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे का सहारा लेकर धीरे धीरे उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और अंततः वे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच ही गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कलिंग के किले का फाटक खुला तो सब लोग आश्चर्य में क्यों पड़ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कलिंग के किले का फाटक खुला तो सामने शस्त्रों से सजी हुई स्त्रियों की सेना को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़ों में भी गुरुजी महाराज को पसीना क्यों आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, मच्छरों की वजह से गुरुजी पूरी रात बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागते रहे, जिसके कारण जाड़ों में भी गुरुजी महाराज के पसीने छूट गए। अब आइए हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर का सेकंड पार्ट आइए हम देखते हैं। ये देखिए मॉडल टेस्ट पेपर का सेकंड पार्ट, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पे हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसकी संगति बुरी होती है, तो बताइए साधु की कि असाधु की, अध्यापक जी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असाधु की, यानी इसका आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। फिर देखिए रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है, तो इसका देखिए ऊँट कहलाता है, घोड़ा कहलाता है कि हाथी कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा। फिर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना यानी भरना है, तो फर्स्ट क्या है आपको, प्रभु ने आपको दान में दिए हैं, तो प्रभु ने आपको क्या दान में दिए, कर दिए हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा ने सन 1957 में नामक संस्था को जन्म दिया, तो संस्था का नाम क्या था, निर्मल हृदय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमीद के पाँव में नहीं है, सिर पर एक पुरानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूते और टोपी। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, जूते लिखेंगे कि हमीद के पाँव में जूते नहीं है और सिर पर एक पुरानी टोपी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन पे हमें सही का निशान और गलत कथन पे गलत का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना। तो फर्स्ट क्या है, स्टीव जॉब्स की मृत्यु कैंसर से हुई थी, ये आपका सही है। और सेकंड नंबर देखिए, भिखारी और चंदा मांगने वाले समय देखकर नहीं चलते, ये आपका गलत है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारी हरियाली क्या हो गई थी, झुलस गई है, ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखना है आपको, तो फर्स्ट देखिए हिंदी, तो हिंदी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, अग्नि आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, और भूगोल आपका पुल्लिंग हो जाएगा, कोलकाता आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के क्या करना है, विलोम लिखना है हमें। तो फर्स्ट क्या है आपका, प्रश्न है, तो प्रश्न का विलोम यानी उल्टा क्या होता है, उत्तर होता है, और निश्चित का अनिश्चित होता है, आवश्यक का अनावश्यक होता है, और कठिन का सरल होता है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है हमें इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, मदर टेरेसा को देश विदेश में किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत सरकार ने मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री, शांति परितोषिक, रेमन अवार्ड, कनेडी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भयंकर गर्मी के बाद हुई बरसात से वातावरण कैसा हो जाता है, कविता के आधार पर बताना है हमें। तो
इसका आंसर हो जाएगा भयंकर गर्मी के बाद बरसात से धरती की तपन मिट गई है तथा खेतों में फसलें हरी होकर लहरा रही हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अमीना का क्रोध स्नेह में कैसे बदल गया, तो इसका आंसर होगा जब अमीना ने देखा कि हमीद अपने लिए कुछ ना लाकर उसके लिए चिमटा लाया है ताकि उसके हाथ ना जले, तो उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ऐसा क्यों कहने लगा, टूटे पैसे दो फिर फ़ोन करो। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोग फ़ोन करके 5 या 10 का नोट दिखाकर चलते बनते थे। तो ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। तो और नेक्स्ट डे हम आपका नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।